Hi guys, I am Manisha Saxena and welcome back to my channel. I hope you all are liking my videos and thank you so much for giving me so much love. And one more thing I wanted to tell you all कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है मगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक नहीं पहुँचेगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो टुडेज़ वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू बिकम एन एयर होस्टेस. बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके बोला कि प्लीज़ मेक अ वीडियो सिंस आई वॉज वन ऑफ देम. सो मैं इंडिगो एयरलाइंस के साथ काम करती थी. आई वॉज देयर फॉर लाइक वन ईयर एंड इट वॉज बैक इन कॉलेज. सो आई एम गोना टेल यू ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस. मैं ये नहीं कह रही कि आप सबके साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा मैंडेटरी, मगर हाँ जो भी मेरे हिसाब से नॉलेज है आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल. ओके, सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम ऑफ योर्स लेट्स गेट टू द वीडियो. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? क्या एलिजिबिलिटी है कि आप एयर होस्टेस या कैबिन क्रू या फ्लाइट स्टीवर्ड बन सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लड़के और लड़कियां दोनों ही कैबिन क्रू में अप्लाई कर सकते हैं. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेज दैट योर हाइट नीड्स टू बी 175 सेंटीमीटर फॉर गाइज एंड 157.5 फॉर गर्ल्स. ओके, तो अगर आपकी हाइट इतनी है और आपकी आर्म रीच होनी चाहिए 212 सेंटीमीटर तो आप एलिजिबल हैं. सेकेंड थिंग, आपका वेट आपके बॉडी से प्रोपोर्शन में होना चाहिए, आप ओवर वेट नहीं होने चाहिए. प्लस पॉइंट है अगर आपका स्किन क्लियर है, आपका कम्प्लेक्शन क्लियर है and you don't have any marks on your body, that is a plus point. Okay, yes, you should be physically fit. आपका कोई आपको कोई disease नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर finally अगर आप झूठ भी बोलेंगे तो जब आपका medical checkup होगा तो आप reject हो जाएंगे. All right, moving on to point number how to apply. Now how do we apply? हमें ये नहीं पता कि हमें पता कैसे चलेगा कि इंटरव्यूज हो रहे हैं. सो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज लाइक मैं न्यूज़पेपर में जाके ढूंढती थी और आई डू नॉट रिमेम्बर बट देयर वाज अ जॉब सेक्शन, वहां पे एवरी वेंसडे या एवरी थर्सडे ऐसे साइड में लिखा हुआ आता था कि वी आर हायरिंग ऐसे करके. सो दैट्स हाउ आई डिड, बिकॉज उस टाइम पे इंस्टाग्राम वगैरह इतना ज्यादा नहीं था एंड मे बी आई वॉजेंट अवेयर, अगर था भी तो. दैट्स हाउ आई अप्लाइड. बट नाउ डेज यू कैन डायरेक्टली गो ऑन द कंपनीज वेबसाइट. आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे एक कॉलम होगा करियर, उसको क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सारे इंटरव्यू के डेट्स, वेन्यू, कब है, कहाँ पे है, कौन से शहर में है, कौन से कंट्री में है, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये सारी एयरलाइंस के लिए अप्लाई होता है. ठीक है, चाहे आप डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई करें चाहे आप इंटरनेशनल, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आप करियर पे प्रेस करेंगे एंड उसके बाद आप करियर पे देख सकते हैं. ऑल राइट, और बाकी आप उनके फेसबुक पेज, आप उनके इंस्टा पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं. आजकल तो बहुत सारे पेजेस हैं जो ऐसे बोलते हैं कि आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें, तो उनपे भी आपको एटलीस्ट वेन्यू और डेट का तो पता चल ही जाता है. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर. सो पॉइंट नंबर थ्री इज, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये फेक है कि जेन्युइन है? ना फेक है कि जेन्युइन है, ये बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि अगर हमें एक कॉल आया है और वो कॉल में वो कह रहे हैं कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और हम आपको एयर होस्टेस बना देंगे. सो ऐसा है कि आप किसी को पैसे दें और वो आपको एयर होस्टेस या कैबिन क्रू बना दे, ऐसा नहीं होता है. ये सारे फेक कॉल्स होते हैं, वो सिर्फ पैसे हड़पने के लिए होते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे. आपको पैसे देने होते हैं जब आपके सारे राउंड्स क्लियर हो जाते हैं, जब आपके सामने आपका डे वन ऑफ ऑफिस होता है, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उस दिन वो आपको बोलेंगे कि भाई आप क्लियर कर चुके हो सारे राउंड्स एंड नाउ यू हैव टू ब्रिंग अ चेक ऑफ दिस मच मनी. और वो भी चेक बोलते हैं, कैश नहीं बोलते हैं कि आप इतना कैश पकड़ा दो, क्योंकि देन यू विल हैव नो प्रूफ कि आपने किसी को पैसे दिए हैं. ओके, और वो जो चेक आपको देना होता है जिस भी कंपनी में, मतलब मेरी कंपनी में आई हैड टू पे 50,000 एंड दैट वाज रिफंडेबल आफ्टर 3 इयर्स, तो वो 50,000 भी मुझे 3 साल बाद मेरी सैलरी के साथ वापस मिल जाते. तो प्लीज अगर आपको कोई पहले से बोल रहा है कि आप पैसे दो और हम बनाएंगे, तो ये सारी चीजें फेक है. ओके,
सो नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू. तो अब आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. आपके पास एक अच्छी क्लीन सीवी होनी चाहिए. क्लीन मतलब ऐसे कुछ भी नहीं, इधर लिखा हुआ है इधर लिखा हुआ है, ऐसा रफ सा पेपर है, फोल्ड करके कहीं कचड़े में डाल रखा था, वहां से उठा के इंटरव्यू में जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. आप या तो उसी दिन आप जेरोक्स करवाइए, प्रिंट आउट निकलवाइए, या फिर अगर आपके पास अच्छे से रखा है फाइल या फोल्डर में तो वो अच्छे से लेके जाइए. एक नाइस फोल्डर होना चाहिए आपके पास जिसमें आपके पासपोर्ट साइज फोटोज, आपका रेज्यूमे, आपका पैन कार्ड का जेरोक्स कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस का जेरोक्स कॉपी, पासपोर्ट है तो उसका जेरोक्स कॉपी, मतलब यू नेवर नो, यू शुड कीप दीज डॉक्यूमेंट्स. ओके, तो आपको ये इंटरनेशनल के लिए तो ये सारी चीजें होती है, डोमेस्टिक के लिए सिर्फ रिज्यूमे इज मोर देन इनफ. देन आपको प्रेजेंटेबल दिखना है. आपको प्रेजेंटेबल एज इन गाइज शुड बी इन बिजनेस सूट विद प्रॉपर फॉर्मल शूज, कि पता चला सूट पहन लिया नीचे स्नीकर्स पहन के चल रहे हैं, हाँ भाई आ गए इंटरव्यू पे, ऐसे नहीं करना है. और लड़कियां प्लीज डू नॉट वेयर समथिंग वेरी शॉर्ट, दे डू नॉट लाइक इट. आई मीन आई अंडरस्टैंड कि आपका जब आइडिया आता है कैबिन क्रू को तो आपको लगता है कि दे लुक सो सेक्सी सो हॉट वगैरह वगैरह, वी शुड लुक लाइक सो, इतना छोटा छोटा स्कर्ट पहन के जाने की कोई जरूरत नहीं है. आपको प्रेजेंटेबल दिखना है. अगर आप स्कर्ट पहन रहे हैं तो नी लेंथ स्कर्ट पहननी है, ट्राउजर्स पहन रहे हैं तो प्लीज इतनी लूज ना हो कि जूते दिख ही नहीं रहे हैं आपके, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, जस्ट लुक वेरी प्रेजेंटेबल एंड वेरी नाइस. मेकअप शुड भी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मेकअप और हेयर के लिए एक सेपरेट वीडियो करूं तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आप कैसे रेडी हो सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए. फॉर गाइज शेव, दाढ़ी लेके भी आ जाते हैं कुछ लोग, आई हैव नो आइडिया क्यों. तो आप लोग दाढ़ी लेके नहीं जा सकते हैं इंटरव्यू पे, कंप्लीट क्लीन शेव इज वॉट दे आस्क फॉर. लेडीज प्लीज वैक्स योर सेल्फ, गेट योर आईब्रोज डन, प्लीज डू नॉट गो एंड लुक जंगली, डू अ नाइस मेकअप, वेयर नाइस यूनिफॉर्म, नाइस स्टैंड, नाइसली पोइज्ड, डू नॉट बी लाइक अच्छे से रेडी वेडी हो गए और हाय व्हाट्स अप, ये सब नहीं करना है वहां पे जाके. ठीक है, अच्छे से जाना है, अच्छे से बैठना है, बिल्कुल पोइज्ड रहना है, यू हैव टू बी वेरी काम वेरी कंपोज्ड. और दूसरे को चेकआउट नहीं करना है कि देख इसने क्या पहना है, ये देख इसने क्या बाल बनाए हुए, ऐसा भी नहीं करना है. यू हैव टू गिव वेरी पॉजिटिव वाइब्स आउट ऑफ यू, यू हैव टू एक्चुअली बी लाइक दैट. ओके, मतलब ऐसे भी आपको, सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, ऐसे भी आपको किसी और को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. ऑलराइट, हील्स, ब्लैक हील्स, प्लीज डू नॉट गो वेयरिंग नियॉन हील्स या रेड हील्स, ऐसे प्लीज हील्स मत पहन के जाना, शिमर वाली ब्लैक फॉर्मल हील्स प्लीज. ऑलराइट, नाउ पॉइंट नंबर 5 सेज कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो अभी तक मेरे इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ओके, सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आप प्लीज वही बताएं जो आप ओरिजिनली हैं और कुछ भी ना बोलें. एंड बहुत सारे लोगों ने बोला है कि प्लीज स्माइल एंड टॉक, तो प्लीज डू नॉट बी लाइक हाय माय नेम इज मनीषा एंड आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, नो डोंट डू दैट, जस्ट स्माइल वेरी नाइसली, बहुत ही प्लेजेंट स्माइल होनी चाहिए और उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि हाय माई नेम इज मनीषा सक्सेना एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन्स, एंड जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं. एंड उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, देन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई दिस एयरलाइन. सो दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन कि आप जिस भी एयरलाइन के लिए जा रहे हैं वो आपसे जरूर पूछेंगे कि वाई दिस एयरलाइन, वाई इंडिगो, वाई कतर, वाई स्पाइस जेट, वाई जेट, जेट इज नॉट देयर. सो या जो भी है आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, सो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन. एंड देन दे विल आस्क यू डू यू हैव एनी मार्क ऑन योर बॉडी. सो आपके जितने भी मार्क्स हैं ना, यू टेल देम ऑनेस्टली, डू नॉट लाई टू देम एट ऑल बिकॉज दे डू नॉट लाइक इट. मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके मार्क्स थे या टैटूज थे, उन्होंने मेकअप से छुपा दिया और बाद में उन्हें पता चल गया. ठीक है, तो वो उस वजह से रिजेक्ट हो गए क्योंकि उन्होंने झूठ बोला. और कई लोग थे जिन्होंने ऑनेस्टली बताया कि हमारे यहाँ पे टैटू है, बट टैटू कवर किया जा सकता है, पर क्योंकि आपने झूठ बोला ये कवर नहीं किया जा सकता.
अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. तो ऐसा कुछ मत करें क्योंकि उनको दिख जाता है कि मेकअप किया है कि नहीं किया है. क्योंकि जब आपका मेडिकल चेकअप होगा तो उसमें वो आपको चेक करेंगे अच्छे से. डॉक्टर होगी वो आपका मेडिकल चेकअप करेंगी, फिर आप हॉस्पिटल में जाके पूरा बॉडी चेकअप कराएंगे, बहुत सारी चीजें होती है. सो जस्ट डू नॉट लाई टू देम. ओके एंड या दैट्स अबाउट इट. यही क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं. सो पॉइंट नंबर सिक्स इज आपका सेकेंड राउंड, आपका थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड. तो मेरे टाइम पे आई थिंक आई हैड फाइव राउंड इन टोटल, जहाँ पे मुझे एक ही दिन में हमारा पूरा राउंड, एक ही दिन में राउंड सारे क्लियर हो गए थे. तो फर्स्ट राउंड हमारा जो था वो था, नहीं फर्स्ट राउंड हमारा अलग हुआ था, जो जिसमें हमें पता चला था कि हमें आगे जाना है. तो वो हुआ था इंडिगो के ऑफिस में. तो इंडिगो के ऑफिस में माय गॉड दैट फीलिंग जब आपके नाम बुलाए जाते हैं कि कौन सा इंसान सेलेक्ट हुआ है आफ्टर योर सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड इज अगेन द सेम थिंग, जहां पे आपको बुलाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. इट जस्ट दैट कि इंसान दूसरा होगा और वो आपसे सेम क्वेश्चन पूछेगा. तो ये क्वेश्चन को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए सेकेंड राउंड में. फिर उसके बाद वो बाहर आएंगे, आपके नाम, आपके नेम्स बुलाएंगे कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, किस किसने सेकेंड राउंड क्लियर किया है. फिर आधे लोग घर चले जाएंगे और आधे लोग वहां पे रहेंगे. अच्छा, इससे मुझे एक चीज और याद आई कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां पे वो आपको बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली. सो नाउ प्लीज डू नॉट थिंक दैट दे विल गेट बैक टू यू, बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ सेइंग और मे बी पोलाइट वे ऑफ सेइंग सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड. ओके, सो वो लोग डायरेक्टली आपके मुंह पे नहीं बोलते हैं, वो लोग इनडायरेक्टली आपको बोलते हैं कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, जो मुझे बहुत बाद में समझ में आया. बिकॉज आई यूज टू गो होम एंड प्रे कि हे भगवान जी मुझे तो मेल आएगा, मुझे तो मेल आएगा, बट आई नेवर रिसीव्ड एनी मेल. सो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वहीं पे वो आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा है और आपको सेकेंड राउंड के लिए ये चीजें कैरी करनी है, ऐसी ऐसी चीजें आपको लेके आनी है. ओके, नाउ सेकेंड राउंड क्लियर हो गया. थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड टेलीफोनिक राउंड होता है. तो अगेन आप जाएंगे लेकिन आप टेलीफोन पे बात करेंगे, सेम क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. बट दिस गर्ल, दिस लेडी ऑन द फोन, शी टॉक्स इतने पोलाइटली एंड इतने धीमे दैट लिटरली फोन मैंने ऐसे लगाया था, क्या बोल रही है ये, क्या बोल रही है. मतलब उस टाइम पे क्योंकि आई वॉज जस्ट आउट ऑफ स्कूल एंड आई डिड नॉट लाइक नो हाउ टू टॉक. मेरा तो ऐसा था हाँ यार बोल. बट ये सारी चीजें आपको वहां पे सिखा दी जाएंगे. ओके, सो वहां पर आपको थर्ड राउंड हो गया आपका टेलीफोनिक. देन फोर्थ राउंड होता है जहां पे आपको एक कमरे में भेजा जाता है. वहां पे आपके पास होती है, पहले तो एक मेडिकल डॉक्टर होती है जो आपके ऐसे स्लीव्स जैसे ऊपर करके देखेंगे कि आपके कोई मार्क है नहीं है और मोल है, फेस पे क्या है, ये सारी चीजें वो देखेंगी, पियर्सिंग है नहीं है, ये सारी चीजें देखेंगी. एंड वहां से आपको एक रूम में भेजा जाता है जहां पे एक मैम बैठी होंगी जो आपसे बातें, सेम बातें करेंगी कि आपको आपके घर वालों को पता है, आर दे सपोर्टिव, आपकी एजुकेशन क्या है. ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका बेस क्या होगा. बेस एज इन आप कहाँ से फ्लाई करोगे. जैसे मेरा बेस दिल्ली था क्योंकि मैं उस टाइम पे कॉलेज में थी एंड आई वाज नॉट इन ओपन कॉलेज, मैं रेगुलर कॉलेज कर रही थी. तो मैंने मैम को सच सच बताया कि मैम मैं रेगुलर कॉलेज कर रही हूँ, तो मुझे दिल्ली बेस मिला. सो दिस इज अबाउट बेस. एंड देन comes the final round. Final round is with Mr. Ghosh. Like mine was Mr. Ghosh. अब तो president बदल गए हैं. So president of Indigo के साथ interview होता है. वहां पे एक lady बैठी होती है, तो सामने Mr. Ghosh होते हैं, आपको उनसे बात करना होता है. I was very scared that day because come on, you're sitting in front of the president of Indigo. So I was shit scared and वो भी आपसे same question पूछेंगे कि tell me something about yourself and why do you want to become a cabin crew and why this airline, why not some other airline. यही same questions पूछेंगे. लेकिन बगल में एक lady है जो लिखती रहती है. अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्या लिखती है. वो basically आपकी English grammar skills लिखती है, क्या आप वो pass करेंगे कि fail करेंगे. To be really honest, I failed that test. And yes, जब बाकी सारे लोग 3 महीने के ग्रेजुएशन एज इन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद पास हो जाएंगे, आपका टेस्ट दोबारा होगा. आपका टेस्ट दोबारा होगा मिस्टर घोष के साथ एंड देन यू विल क्लियर योर एग्जाम्स.
तो जब आपके ये सारे राउंड्स क्लियर हो जाते हैं तब आपको फाइनली बताया जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। फिर आपको बताया जाता है कि ये होगा आपका डे वन ऑफ ऑफिस, जिस दिन आपके डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, जिस दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे, आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिस दिन आपको बताया जाएगा कि आपको 50,000 का चेक लेके आना है। मतलब मेरे टाइम पे 50 था, अगर अभी बदल गया है तो आई हैव नो आइडिया। सो उसके बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में अगर आप पास हो जाते हैं देन यू कैन फ्लाई, एंड अगर आप 3 महीने में फेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ 3 चांस मिलते हैं। अगर आप वो तीनों चांस गवा देते हैं तो फिर आप कंपनी से बाहर हो जाते हैं, और उसके बाद आपने वो 50,000 जो डिपॉजिट दिया था वो भी रिफंडेबल नहीं होता। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, सो आई विल नॉट टॉक मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।